जबलपुर में लोकायुक्त की टीम ने एक बड़ी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोकायुक्त की टीम ने एसटीएफ में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक निसार अली को 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ये कार्रवाई दमोनाका में पेट्रोल पंप के पास की गई। इसके बाद लोकायुक्त की टीम एएसआई को लेकर सर्किट हाउस नंबर 2 पहुंची, जहाँ देर रात तक विधिवत कार्रवाई जारी रही। जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने गुरुवार की शाम एक बड़ी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। लोकायुक्त टीम ने एसटीएफ इकाई में पदस्थ एएसआई निसार अली को 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। ये कार्रवाई दमोनाका पेट्रोल पंप के पास की गई है। एसटीएफ के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि गोहलपुर निवासी मोहम्मद जावेद ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक संजय साहू को शिकायत देकर जानकारी दी थी कि बैंक लोन और फ्रॉड से संबंधित एक आवेदन जांच के मामले को रफा दफा करने के लिए एसटीएफ के एएसआई निसार अली द्वारा उनसे 1,00,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई है। इस शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार की शाम एएसआई निसार अली को दमोनाका पेट्रोल पंप के पास रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आवेदक मोहम्मद जावेद ने बताया कि वो प्रॉपर्टी ब्रोकर है। सर, यहाँ पर जो एक निसार अली करके हैं, हमारे पास एक फ़ोन आया, क्राइम साइबर क्राइम के ऊपर एक बैठते हैं ये लोग, हमें वहाँ बुलाया गया। हमको बुला के ये बोला गया कि इसमें आपके शिकायत आई है। तो हमने किस चीज़ की शिकायत आई है तो बताया कि आपने लोन वोन लिए थे बैंक से। हमने हाँ लोन लिए थे। तो हमको पेपर वेपर दिखाए, बोले ये पेपर है। तो हमने हाँ ये पेपर है, देख रहे हम, ठीक है। हमने ये पेपर कौन से गलत हैं बताओ, बोले पेपर गलत नहीं है, आपने गवर्नमेंट का पैसा लियो। तो हमने गवर्नमेंट का पैसा लिया, गवर्नमेंट का पैसा वापस भी हो गया। आप देख सकते हैं जिस प्रॉपर्टी को आप दिखा रहे हैं उसका पैसा बैंक में जा चुका है। तो बोले जितना होशियार बन रहे तुम उसको नहीं बने, उसमें कई लोग इन्वॉल्व होंगे। तो वहाँ भाई का भी लोन है। हमने हाँ हमारे भाई का भी लोन है वहाँ से। तो बोले ये जो पैसा है इसमें लिए हो गवर्नमेंट से, तुम चिटिंग कर रहे हो। हमने चिटिंग विटिंग हमने नहीं करी, हमने जो पैसा लियर है वो चुक गया है पैसा, आप पता कर लो। बोले एक काम करो, अगर इसको निपटाना है नहीं तो इसमें बहुत लंबा लफड़ा चले जाएगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे दोस्त कई लोग इसमें निपटेंगे। तो हमने सर ऐसी कौन से हमने गुनाह कर दिए जो इतना बड़ा आप बता रहे हो। कितने रुपयों की डिमांड करी? वो ये बोले थे हमसे कि पहले तो आप यहाँ से हट के आप दूसरी जगह चलना। हमको दमोनाका बुलाया गया रात में, बोला गया कि डिमांड पैसे की बोली गई कि हमको 20,00,000 रुपये आपको देना पड़ेगा इस मैटर को क्लोज करने के लिए। तो हमने अगर आपने इतनी जानकारी हमारी करे हो तो आज ये भी जानकारी होगी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और अगर इतना पैसा होता तो हम परेशान नहीं होते आज, हम खुद ईद के लिए परेशान हैं। तो बोले नहीं, भले ही तोड़ों पे देना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी करके, अभी दो फिलहाल काम चलाने के लिए, अब 1,00,000 रुपए अभी ले आओ, उसके बाद हम बाकी पेमेंट की बात करेंगे। तो 1,00,000 रुपए अधिकारियों के बीच में हम लेके गए थे, 1,00,000 रुपए दिया। अभी जो एसटीएफ इकाई जबलपुर में पदस्थ निसार अली एएसआई है, प्रार्थी को डरा धमका कर उससे 1,00,000 रुपए की मांग कर रहा है। आवेदन को संज्ञान में लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई और उक्त तारतम्य में आज दमोनाका पेट्रोल पंप के बाजू में सहायक उपनिरीक्षक निसार अली को 1,00,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कितनी मांग थी? मांग की गई थी 1,00,000 रुपए की डिमांड थी, पूरी राशि लेते हुए पकड़ा गया। कहां से गिरफ्तारी? दमोनाका पेट्रोल पंप के बाजू। लोकायुक्त की टीम द्वारा कार्रवाई करने के बाद एएसआई निसार अली और आवेदक को सर्किट हाउस नंबर 2 लाया गया, जहां देर रात तक विधिवत कार्रवाई जारी रही। लोकायुक्त अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि संभवतः एएसआई निसार अली को लेनदेन की एक शिकायत के मामले में 2 दिन पहले ही एसटीएफ से हटाया गया था, लेकिन वो रिलीव नहीं हुए थे। इसे लेकर भी अधिकारियों ने जांच की बात कही है।